हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार में। हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुड हैव। आज हम वुड हैव के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग वुड हैव से रिलेटेड वाक्य बनाते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने सोचा कि वह बहुत तेज भागा होगा। सबसे पहले आई थॉट, मैंने सोचा दैट ही वुड हैव रन वेरी फास्ट। यहाँ पे वुड हैव का यूज किया गया है क्योंकि बिल के पास्ट के रूप में वाक्य बने, क्योंकि पहला वाक्य पास्ट में तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में बनेगा, तो यहाँ पे वुड हैव का यूज किया गया है। तो आई थॉट दैट ही वुड हैव रन वेरी फास्ट। एग्जाम्पल अगला है, उसने मुझसे बोला कि वह जयपुर पहुंच चुका होगा। सबसे पहले ही, उसके बाद टोल्ड मी दैट ही वुड हैव रीच्ड जयपुर। उसने मुझे बताया कि वह बचकर भाग गया होगा। He told me that he would have escaped. Escape means बचकर भागना होता है और यहाँ पे बचकर भाग गया होगा, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी तो escaped हो जाएगा। तो he told me that he would have escaped. Conditional sentences, सूचक वाक्यों में भी हम लोग would have यूज करते हैं। जैसे यदि कोई कार है वो पास्ट में ना हुआ हो और जो उससे रिलेटेड शर्त होती है वो भी पूरी ना हुई हो तो हम लोग would have का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। वो आगरा नहीं गया तो उसने ताजमहल भी नहीं देखा, तो पास्ट में जो कार था वो भी उसने पूरा नहीं किया और जो उसकी शर्त थी उसने वो भी पूरी नहीं की। इफ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। एग्जाम्पल अगला है, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हुआ होता। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, उसने जो कार था उसका वह कंप्लीट नहीं किया तो वह पास हुआ होता। तो यहाँ पे उसकी जो शर्त थी वो भी शर्त भी कंप्लीट नहीं हुई तो यहाँ पे हम लोग वुड हैव का यूज करेंगे। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। एग्जांपल अगला है, यदि वह मुझसे कहती तो मैं उसकी सहायता करता। इफ सी हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। अभी तक हमने वुड हैव के बारे में पढ़ा, अब हम लोग वुड हैव बीन के बारे में पढ़ेंगे। वुड हैव का जो पैसिव वॉइस होता है हम लोग उसमें ही वुड हैव बीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, उसने मुझे बताया कि मतदान किया गया होगा। जो मतदान है वो किसी और के द्वारा किया होगा। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट द वोटिंग वुड हैव बीन डन। ही टोल्ड मी दैट द वोटिंग वुड हैव बीन डन। एग्जाम्पल अगला है, उसने सोचा कि वह मारी जा चुकी होगी। He thought that she would have been killed. भी मानना होता है, थर्ड पंप किल्ड। He thought that she would have been killed. उसने सोचा कि वह पकड़ा जा चुका होगा। He thought that he would have been caught. आज आपने would have और would have been के बारे में सीखा। अगर आपने अभी तक और बहुत सारी मॉडल वर्ब के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी मॉडल वर्ब की लिंक दी है। आप वहां से सभी मॉडल वर्ब के बारे में सीख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।